नाज़रीन, ये मैं आपको मसालों की तरफ पहले लेकर आ गया। सबसे ठीक है सर, ये देख लें, ये देख लें, इनका सबका इस्तेमाल होगा। किस में इस्तेमाल होगा वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे। ये है गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च कुटी हुई, हाँ जी काली मिर्च बड़ी, ये है ब्लैक पेपर कुटी हुई, ये है हाँ जी गरम मसाला मिक्स है, दालचीनी सॉरी, और ये है गरम मसाला है जी, ये हल्दी टर्मेरिक इट्स ए सॉल्ट हाँ जी, एंड दिस इज़ आल्सो ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली, ब्लैक पेपर एंड बे लीफ हाँ जी, ये कड़ी पत्ता कहते हैं इसे। ठीक है सर, एंड व्हाट इज दैट, या इट्स ए सिनेमन स्टिक्स है, ओके, ये है ग्राइंडेड रेड पेपर क्रश्ड, दिस इज अ शान मसाला, ठीक है जी, इट्स ए जिंजर एंड नाउ मेन आइटम जो हमारी है वो ये है, ये देखें माशाल्लाह, ये चिक पीस, ठीक है, हमने बॉयल करके इसको निकाल लिया है। अच्छा ये देखें जी, ये अपना प्याज है, ये ऑलरेडी प्याज जो है ना हमारा उसको स्टीम बन रही है, वीडियो थोड़ी इसकी यहाँ से कहीं नहीं आ रही, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ऑनियन जो है ना उसको हम रोस्ट कर रहे हैं। ओके, इज लॉन्ग ग्रेन हेयर राइस, देखें ठीक है जी, ठीक है, सब चीज़ें जो है ना सबको आपको मालूम ही है, लेकिन हमारा तरीका ऐसा है कि आपको इन शाला पुलाव ऐसा मिलेगा लंबा लंबा ज़बरदस्त। ये देखें, अब ये देखें, अब आप कहेंगे ये क्या है, ये देख लें, ये है अचार, ठीक है, मिक्स अचार है, इसमें हर चीज़ शामिल है, मिक्स अचार जिसमें जिंजर, लेमन, कैरेट, मैंगो, बांस, ये देख लें, गार्लिक, एवरीथिंग इज इन देयर, ये जो है ना अचार आल्सो जो है ना हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये जो है ना गरम मसाला ये पड़ रहा है इसके अंदर, ये जो है ना गार्लिक थोम, इनकी पोटली बनी गरम मसाले के अंदर, उसकी खुशबू जो पंजाबी पुलाव जो है ना वो बनता ही ऐसे, वाह 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 क्या खुल्ला ही पाव। ये देखें मिक्स गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, काला ज़ीरा, हाँ जी बादियान, हर चीज़ भी नहीं है, और ये जो है ना ये पेस्ट है गार्लिक और जिंजर की, ठीक है, हर चीज़ आपको पता है रेडीमेड है, बताने की ज़रूरत ही ना छुपाने की। ये देख लें, ये देखें, ये मिक्स इसका इस्तेमाल होगा साथ में पेस्ट का, ये हमारा तैयार हो गया गरम मसाले का सामान। ये मशीन मेरी जगह घुमा रही है, देख लें, ले जी सुटे जी, माशाल्लाह, देख लें, ये जो है ना हमारा पंजाबी चना पुलाव बन रहा है, ठीक है, पंजाबी कहेंगे मैं पंजाबी, क्योंकि स्टाइल वही है हमारा, इसमें अगर आप गोट डाल दें, चिकन डाल दें तो स्टाइल वही है, इंग्रीडियंट यही है, तरीकाकार वही है, लेकिन ये हमने आज चना पुलाव बनाया। साथ में ये देखें हमारे टमाटर जो तैयार हैं, टमेटोज रेडी टू गो, ये जी टमाटर भी आ गए, सुभान अल्लाह, डाले जी, ठीक है, सूखा धनिया जी बताते जाएं ज़रा, चिल्ली पाउडर सही है, ठीक है, हमने आपको मिक्स करके दही, वो दही हमने डाल दिया हुआ है, बताया नहीं आपको, पहले डाल दिया था, ठीक है,
सारी बोतल ही खाली रात मैं हूं भी लेनी पैनी पंखा नहीं लगाया ना पंखा लगा रहा उसके ऊपर लाले जी और क्या है इसमें नमक हल्दी गरम मसाला पिसा धनिया गरम मसाला जीरा पाउडर हैं जी हर चीज़ जो डलती है चाटनी पाउडर जो टमेटोज दही नमक हर चीज़ डलती है हैं जी आप ये देख लेना बस ज़्यादा होगा मुझे लग रहा है रोको आप अच्छा अच्छा कोई बात कम से कम दो ढाई तीन बैग हमारे चले हैं जो मतलब 10 पाउंड के जो होते हैं ना ये भी डल गया चने कम से कम हमने 5-20 पाउंड चने डाले क्या जी तो मैरिट ओके हल्दी का तो इस्तेमाल बहुत अच्छा है आजकल नई तहकीक आई है यहाँ बाज़ार में मतलब अगर हम जाएँ ना स्टोर्स पे तो हल्दी की पैकिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है टर्मेरिक लिखा होता है और वाह क्या बात है ले जी ये सूट रहे हैं जी आलू का नहीं सूट रहे हैं इसके अंदर ये देख लें ऐसा लाजवाब पुलाव बनता है ना मैं बताता हूँ आपको क्या बात है हाँ अचार भी उसके बाद में लगेगा ना जब हम चावल लगा डाल देंगे ले जी ये तेज़ नहीं होती इतनी इसलिए हम इसको डालते हैं जब तो जायका भी आता है फर्स्ट क्लास तो ठीक चीज़ नहीं होती बच्चे भी खा लेते हैं हाल का नहीं होती हमने ना ऊँचो को ढाबे में वीडियो डालना था कि मैं बंद ही की हुई हैं और घरों में इसलिए नहीं डाल पाया लेकिन अभी थोड़ा सा शुरू करने वाले हैं हम लोग तो मतलब ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं मतलब आज चना ब्लॉग वीडियो डाली है और आपको पसंद आएगी कमेंट्स वगैरह बेशक ना दीजिएगा सब्सक्राइब भी बेशक ना कीजिएगा लाइक भी ना कीजिएगा शेयर भी ना कीजिएगा आपकी मर्ज़ी है ये धुम्बा नहीं है भाई ना ही मोटरसाइकिल है यकीन करना ये मसाला है अभी भूल रहे हैं ना इतना मज़ा आएगा इसको रोटी के साथ खाने का पराठा और ये मसाला थोड़ा सा निकाल के खाओ इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा भून रहा है अच्छा ये जो मसाला हमारा जो है ना भून चुका है ठीक है हमने फ्राई कर लिया इसको और ये देखिए घी आ गया इसके ऊपर अब इसको बंद करेंगे चावल जो है ना उसको पानी में गिन के डालेंगे चलो जी देखें जी 1 चलो जी एंड 2 एंड 3 आस्ता एंड 4 हो गए 4 हो गए कितने में 4 हुए एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 12 बीच में वीडियो गायब हो गई थी 13 32 33 34 35 36 एक हम एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि कम मेरा कप आ रहा था ये एक्स्ट्रा है 37 चलें जी जी इसको स्टिर कर दिया है मिक्स कर दिया अब हम चूल्हा जलाएंगे इसको हम पकाएंगे दोबारा ठीक है लो जी दर्शन करो क्या बात है काम जो है ना
बिल्कुल टप टाप जा रही हो सारी। मसाला जड़ा ना अब सही तरह मिक्स हो गया, कुक हो गया, पानी जड़ा है वो सही तरह कुक हो गया। हूँ ये नैक्सट असी चावल पाने। देखो पानी सुटना तुसी इस तरह, अच्छा जिस तरह वाइफ मेरी सुट दी ना पानी, इस तरह सुटना बाहर तुसी पानी। और जिस तरह वाइफ मेरी वाइफ मेरी जिस तरह चावल चुकती भी ना बाहर, देखिए जिस तरह चुकती भी ना ऐसा चुकना चावल। देखा जे इस तरह सुटने चावल और इस तरह प्लेट हाथ फट के चुकना उस चौल, समझ गए ना? देखा ना इस तरह सुभान अल्लाह। क्या वाह वाह, अखीर तो इस तरह जो बैठा दाबड़ा जरा ना इस तरह चुक के देख से भी सुटना जे, समझ गए ना? यह तरीका लाजमी जे इस तरीके ना ना सुटे अगर तुम्हारे चावल से नहीं बनने। चम्मच अगर तुम उ रखना है लाजमी इतने बाद अचार दिखाओ जरा मैं चुको चार लेना चार ऐसा सुटना वाइफ दस दी तुम देखा इस तरह सुटना अचार जी फिर ना कड़ा सही नहीं बने दे भी तुम फिर देखो चम्मच भी इस तरह ही फेरना। वाह 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 जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। नाउ लेट्स सी अभी इसकी जो तैयारी होगी हमने इसको बिल्कुल सही तरह हिलाना है। नमक अच्छा इस टाइम नमक चेक करने का बेहतरीन तरीका, बाद में नहीं, बाद में नमक नहीं ऐड होगा बता दूं मैं आपको, अभी देख लें क्योंकि अचार में नमक होता है अगर कमी बेची है वो देख लें। और मिर्चों का साफ देख लें कैसी है, कालियाँ अच्छा जी कालियाँ मिर्चा पै देखें ब्लैक पेपर ओके 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 आई थॉट यू सेड कालियाँ मिर्चा जी जी मेरा कैमरा डिगे बच्चे बलाव ना डिगे जो मजबूती ना पड़े मैं कैमरा बलाव बन जाए अभी देखा बंद कर दिया चिकन दिया देखा कवर हो गया दे जी माशाल्लाह देख ले आपके सामने है गिन ले हाथ पे साथ। अब जो मेरा मेन